एक शख्स खुदा को नहीं मानता था। वो कहता था कि मैं अल्लाह को नहीं मानता। वो कहता था कि दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है वो इंसानों की वजह से चल रहा है, अल्लाह की वजह से नहीं चल रहा। दुनिया में जो तरक्की का काम हो रहा है वो इंसानों की वजह से हो रहा है, अल्लाह की वजह से नहीं हो रहा। तो वो शख्स इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहा कि हजरत मैं अल्लाह को नहीं मानता, इस बात पर मेरे साथ मुनाजरा करो। अगर आपने साबित कर दिया कि अल्लाह है, मौजूद है, तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। तो उन्होंने टाइम रखा कि कल 10 बजे हमारा इस बात पर मुनाजरा होगा। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ठीक है। तो जब सुबह हो गई तो वो शख्स फिक्स 10 बजे उस मकाम पर पहुंच गया जहां पर मुनाजरा होना था, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने आने में थोड़ी सी देर कर दी। मिसाल के तौर पर 10 बजे पहुंचना था, वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 12 बजे पहुंचे जानबूझकर। तो वो शख्स नारेबाजियां लगाने लगा कि देखो, जिसको तुमने अपना इमाम बनाया हुआ है वो तो मेरे डर के मारे भाग गया, अभी तक नहीं आया मुनाजरे के लिए। तो थोड़ी देर के बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पहुंच गए। तो उस शख्स ने कहा कि इमाम साहब, आप इतने लेट क्यों हो गए? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी बात सुनो कि जिस जगह से मैं आता हूं यहां तक, रास्ते में एक दरिया पड़ती है। तो जब मैं दरिया के पास पहुंचा, मैंने वहां देखा कि सारी कश्तियां जा चुकी है, अब मैं यहां पर कैसे पहुंचता? तो मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, अल्लाह के सामने रोया। तो फिर मैंने क्या देखा कि एक दरख्त खुद ब खुद कट रहा है, खुद ब खुद कश्ती की शक्ल इख्तियार कर रहा है, खुद ब खुद मेरे सामने कश्ती तैयार हो रही है, मेखे लग रहे हैं और एक कश्ती की शक्ल में तैयार होकर मेरे सामने आ गई। तो मैं उसमें बैठकर फिर यहां पहुंच गया। तो वो शख्स कहने लगा कि ये तो पागल नहीं हो गया? ऐसा भी हो सकता है कि एक दरख्त खुद ब खुद कट जाए, खुद ब खुद कश्ती की शक्ल इख्तियार कर ले, खुद ब खुद उसमें मेखे लगते रहे, खुद ब खुद आपके सामने आ जाए, ऐसे हो सकता है? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब ये चीज नहीं हो सकती तो मुझे ये बताओ कि दुनिया का निजाम क्या खुद ब खुद चल पड़ा? इसको भी बनाने वाला कोई है ना? तो वो शख्स बिल्कुल लाजवाब हो गया, चुप हो गया। तो शख्स ने कहा कि इमाम साहब, चलो मैं आपकी ये बात मान लेता हूं, मुझे ये बताओ कि अल्लाह इस वक्त कहां पर है? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है, मैं बात को साबित करता हूं कि अल्लाह इस वक्त कहां पर है, मैं बताता हूं। आपने फरमाया कि एक दूध का कटोरा मंगवाओ। दूध का कटोरा मंगवाया गया। तो इमाम साहब ने फरमाया कि इस दूध के अंदर आपको मक्खन नजर आ रहा है, मक्खन? तो उसने कहा कि इमाम साहब, मक्खन तो नजर नहीं आ रहा, अलबत्ता अगर हम इसको तैयार करेंगे, इसको बरोएंगे, फिर इससे मक्खन निकलेगा। इमाम साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे मक्खन दिखाओ, इस दूध के अंदर मक्खन है कहां पर? तो शख्स ने कहा कि मक्खन तो है नहीं, लेकिन जब इसको तैयार किया जाएगा तब मक्खन निकलेगा। मक्खन इसी दूध से निकलता है ना मेरे भाइयों? तो इमाम साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे मक्खन दिखाओ। उसने कहा मक्खन तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो इमाम साहब ने फरमाया कि जब तुम इस मजाजी चीज को नहीं देख सकते तो तुम उस हकीकी खुदा को कैसे देख पाओगे? वो शख्स बिल्कुल चुप हो गया, लाजवाब हो गया। तो शख्स ने एक फिर सवाल किया, चलो आखिरी सवाल इमाम साहब, फिर उसके बाद मैं मुसलमान हो जाता हूं, अल्लाह का रुख इस वक्त कहां पर है? तो इमाम साहब ने फरमाया कि चलो एक मोमबत्ती मंगवाओ। मोमबत्ती मंगवाई गई, आपने फरमाया इसको जलाओ। जब जलाई गई तो इमाम साहब ने फरमाया कि इसकी रोशनी किस तरफ है? जब मोमबत्ती को बंदा चलाता है तो चारों तरफ रोशनी हो जाती है ना? तो शख्स ने कहा रोशनी तो चारों तरफ है। तो इमाम साहब ने फरमाया कि इसी तरह बस अल्लाह भी हर जगह मौजूद है, हर जगह देख रहा है।